तो कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सब को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज में हम लोग जानेंगे कि क्या जानेंगे, स्टेप, बार, 1/3 वेट, 1/4 वेट, 1/3 स्टेप, 1/4 बार, ये सब क्या होता है। सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना इसमें, तो आज मैंने सोचा कि उसको डिक्लेयर ही कर दे आज, ठीक है, पर टोटली उसको आज कंप्लीट ही कर दे, ठीक है। तो इसको सुनने, इस समझने के लिए और इसको सीखने के लिए, ठीक है, तो वीडियो भी बने रहिए, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना जो है, जो कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं सिंपल वे में थोड़ा सा मैं एक बीट लेता हूँ, ठीक ना, या सिंपल पैक का एक बीट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं अपना फेवरेट हैट ही ले लेते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट हैट है। तो यहाँ पे ये मेरा फेवरेट हैट है, सुन सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साउंड भी और आ जाए। चलिए इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहले आप यहाँ से मेरे को समझाना होगा, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है, एक बार बोलते हैं, ओके ना, क्या बोलते हैं, एक बार। ये मेरा एक बार हो गया जहाँ पे मैं एक्सलेट किया, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैटर्न क्रिएट किया। चलिए यहाँ से हम लेते हैं, एक पैटर्न ले लिया, पैटर्न लेने के बाद यहाँ चलिए यहाँ पे डालते हैं, ठीक ना। तो डालने के बाद देख सकते हो जी मेरा जो रेड वाला है, यानी एक पैटर्न, एक पैटर्न में मेरा जो जा रहा है वो मेरा एक बार होता है, ठीक है। सिर्फ जब हम 4/4 करेंगे तो उस समय मेरा एक बार होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार में कितने बीट होते हैं, तो सिंपल वे में कि एक बार में 4 बीट भी होते हैं, सभी जो जानते हैं कि एक बार में 4 बीट होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बार में बहुत सारे बीट हो सकते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे ना कि ये मतलब क्या बता रहे हैं कि एक बार में 4 बीट हमने सुना था और ये बोल रहे हैं कि 2 बीट होता है, या जिस लाइक पहले यहाँ पर पहले सुनो, ठीक है ना, उसके बाद समझ में आएगा। इसको मेट्रोनोम हम ऑन करते हैं, उसके बाद सुनते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सुन सकते हो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीका का, मतलब यहाँ पे टक 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 टक, यानी एक बार में मेरे को 4 मेट्रोनोम का आवाज़ आता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक बार में 4 बीट का, ठीक है। अगर हम चाहें कि एक बार में मेरा नहीं, एक बार में मेरा 3 ही बीट रहे, तो क्या हो सकता है। तो इसको सीखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा इसका। तो चलिए पहले देखते हैं जो मेरा बार का था उसका, ठीक है। तो ये मेरा बार हो गया, और यहाँ से इसको करते हैं छोटा, और यहाँ से यहाँ तक तैयार होना, और यहाँ से यहाँ तक मेरा एक बीट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक एक बीट, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बीट, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बीट, ओके। तो आप लोग समझ गए कि बार और बीट, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं कि जब मेरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक ना, मेरा फर्स्ट बीट का, तो फर्स्ट बीट में स्टेप होता है, ठीक है, या यहाँ पे देख सकते हो स्टेप, ठीक है। तो स्टेप 1/6 स्टेप, 1/4 स्टेप, 1/3 स्टेप, 1/2 स्टेप, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक ना, कि एक मेरा जो यहाँ पे है ये, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर मैं डाल ही देता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बोलो कि झूठ बोलना, क्योंकि कितने हैं जो मतलब बोल ही देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि, तो मतलब एक बीट में मेरा 4 स्टेप है। कितना स्टेप है? 4 स्टेप। पहले मैं बताया था कि एक बार होता है, एक बार में 4 बीट होते हैं, ठीक है, और 4 बीट की एक बीट में मेरा 4 स्टेप होता है, ठीक, आ गया समझ में। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो गए स्किप भी रिवर्स हो करके फिर से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो मेरा फर्स्ट है, सबको साइड करते, ये इसको करते हैं छोटा, हम इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको, ये मेरा हो गया स्टेप, क्या है, स्टेप है।
जब हम स्टेप को 1/2 स्टेप करेंगे तो ये मेरा जो स्टेप है ये डिवाइड होना चाहिए, यानी दो दो स्टेप में होना चाहिए, ठीक है, ओके, यही ना। तो चलिए इसको दो स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा दो स्टेप हो गया है, ठीक ना। तो अगर आप लोग का नेट कनेक्शन सही होगा तो शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे भी अभी थोड़ा सा क्वालिटी लो है यूट्यूब का, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद करते हैं कुछ इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद 1/3 है, तो 1/3 करेंगे तो इसमें 3 स्टेप हो जाएगा। चलिए इसको, और इसको फ्रेंड्स जो ये मेरा है इसको करने के लिए आप लोग अल्ट प्रेस कीजिएगा माउस का लेफ्ट बटन, तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री हैंड हो जाएगा। तो आप लोग इसको जहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सुन सकते हो, ओके। उसके बाद आता है कि 1/4 स्टेप। तो मेरा वन स्टेप में 1/4, यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हो 1/4, यानी वन स्टेप पे मेरा 4 जो मेरा स्टेप है वो होना चाहिए, ठीक है। 1/4 स्टेप, वन स्टेप में 4 स्टेप होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 4 स्टेप करते हैं इसको, ओके, उसका सुनते हैं, ओके। उसके बाद 1/6 कुछ इस तरीके से वर्क होगा, इसमें 6 आ जाएगा, 6 स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, ओके, ओके। उसके बाद चलिए अब आते हैं कि इसको कर देते हैं शेल पे। उसके बाद चलिए आते हैं कंट्रोल डी सेलेक्ट, उसके बाद चलिए आते हैं कि मेरा स्टेप पे, ठीक है, बीट पे। तो यहाँ पे मेरा बीट है, तो फर्स्ट है क्या बीट, क्या मेरा बीट है। तो हमने पहले बात किया था क्या कि यहाँ से ये मेरा यहाँ से आता है एक बार होता है, और यहाँ से मतलब एक बार में 4 बीट होते हैं। ऐसा नहीं कि डेफिनेटली 4 ही बीट होंगे, 5 बीट भी हो सकते हैं, 6 बीट भी हो सकते हैं, 3 बीट भी हो सकते हैं, 2 बीट भी हो सकते हैं, ओके। मैं ये बताऊँगा कहाँ से होगा, पहले जो मेरा ये सेशन है उसको पहले कम्प्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम चलेंगे बीट पे तो 1/2 बीट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 बीट हैं, ओके ना। तो हम इसको करते हैं 1/2 बीट, तो इसमें मेरा 2 ही स्टेप होगा। आप थोड़ा सा देख लेना नेट कनेक्शन, थोड़ा सा साथ बेस या वाईफाई जो कि जिसका भी होगा उसको डेफिनेटली समझ में आ रहा है। वैसे मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो इसको जब हम नन कर देंगे, ठीक ना, सेल करते हैं उसका, देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4। और उसके बाद जब हम इसको 1/2 कर देंगे तो इसमें से जो बीच का रहता है, यानी 1, 2, 3, 3 पे आ गया, 4 स्काई, ओके। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम 1/3 करेंगे तो मेरा एक स्टेप में 3 बीट गिरना चाहिए, ठीक ना, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सुनाई भी देता हूँ, ओके। उसके बाद 1/4 करते हैं, सेम प्रोसेस। तो ये मेरा बीट पे हो रहा है, ठीक ना, ऐसा नहीं वो मेरा स्टेप पे था, ये मेरा बीट पे है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसका बताते हैं 1/6, अबे 1/6 तो ऑलरेडी है, 3 × 6 1/6 ऑलरेडी है। चलिए उसके बाद कर देते हैं स्टेप। तो स्टेप कर देंगे तो वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, स्टेप में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो मेरा फर्स्ट था उस तरीके से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जैसा मेरा पहले था, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके। तो फ्रेंड्स आता है क्या कि मेरा जो यहाँ पे बीट है, ठीक है, ये वाला, तो कि आपने पूछोगे कि आपने बताया था कि इसमें 1/3 ही स्टेप होता है, तो चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद मेट्रोनोम ऑन करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मेट्रोनोम ऑन कर दिया मैंने, मेट्रोनोम ऑन करने के बाद यहाँ पे सुनो, उसके बाद मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक ना, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपने सुना कि 1/4 स्टेप क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं, ठीक है। F11 प्रेस करने के बाद हम चलेंगे प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट में चलने के बाद यहाँ पे नंबरेटर देख सकते हो, ठीक है, नंबरेटर, ओके। थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को परफेक्टली दिख सके। तो चलिए जूम करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो सेट एज टाइम सिग्नेचर, ओके। तो यहाँ पे नंबरेटर है, तो नंबरेटर को जो हम चेंज करेंगे, आप लोग देख लिया, अब हम इसको करते हैं जूम आउट,
ताकि मेरे को प्रोजेक्ट करने में अच्छा आसानी हो जाए। तो इसको कर देंगे 1/3। ओके, 3 करने के बाद उसके बाद आप सुनो। यहाँ से आप देख सकते हो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, जब हम इसका प्रोजेक्ट डालेंगे तो आप कुछ इस तरीका से देख सकते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट कटिंग नहीं किया है। ऐसा नहीं तो आप प्रैक्टिस करके देख लो एक बार। ओके, तो चलिए फिर से मैं चलते हैं, उसके बाद करते हैं 2 स्टेप इसको प्रोजेक्ट, और इसको करते हैं 2 स्टेप। आप यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे ये मेरा जो लाइन है 1 2 1 2, इसमें 2 स्टेप है, तो इसको करते हैं 2 स्टेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ छोटा हो गया। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके किया था। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और सेलेक्ट मैं कर देता हूँ इसको, चलिए डिसलेक्ट करते हैं, उसका सुनते हैं। ओके, उसका चलिए यहाँ पे 5 करते हैं, तो मेरा एक स्टेप में 5 आना चाहिए, ठीक ना। प्ले हो जाए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कि आप किसी को भी कंफ्यूज ही मत करना कि आप एक बीट में, मतलब एक बार में 4 स्टेप तो जनरली होता है, आप 5 स्टेप 6 स्टेप करके दिखाओ, ठीक है। तो ये किसी को मतलब कंफ्यूज मत कीजिए, यहाँ पे 16 स्टेप तक के जाएगा, ठीक है। वैसे आप जनरली 4x4 रहता है, तो इसको 4x4 कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बीट तैयार करता हूँ, तो बीट देखते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक बीट तैयार कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं, इसको कीक और हेड को, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे इसको जो मेरा बीट है उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा कैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आप जैसा वहाँ पे क्रिएट करोगे बना सकते हो, ठीक है, बट हम देखेंगे कि कुछ किस तरीका से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सुनो, ठीक है, मैं आप उसके बाद स्टेप पे करके दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेट्रोनोम कर दो भाई। तो इसको चलिए आप करते हैं कि मेरा थोड़ा सा स्टेप इसको चेंज करते हैं, 1/3 बीट पे करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसको करेंगे छेड़छाड़, ठीक है, क्योंकि हमको बीट पे ही छेड़छाड़ करना है, ना कि स्टेप पे। उसका चलिए सुनते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बना सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीका से। चलिए आप इसको हम करेंगे बीट पे छेड़छाड़, तो इसको बंद, उसके बाद करेंगे 1 जो बीट है उसको कर देंगे 3, उसके बाद चलिए इसमें करते हैं 1 2 3 4 2 3 4। उसके बाद सुनिए। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा एक किक डाल देते हैं, ताकि वेरिएशन थोड़ा सा और इसमें अच्छा आ जाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे तीन ही सिंपल लेके यहाँ पे बनाया था, और बहुत सारे लेकर के बना सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए बीट, ठीक है, और अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल तरीका में बता दिया, प्यार बीट और स्टेप में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1/3 बीट 1/4 बीट 1/6 बीट 1/3 स्टेप 1/4 स्टेप एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो मेरा 1 बार में 3 बीट था,
तीन बिट था, चार बिट था, पांच बिट था, इसको भी कंफ्यूज मत होना, किसी को कंफ्यूज भी मत करना, बताना होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जो जो फुल वॉच किए उन लोगों को समझ में आ गया, जो फुल वॉच नहीं किए उन लोगों को कोई भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, इस लेक्चर को बंद करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।